कोल्हान के सरकारी कार्यालयों में कुल 80 से ज्यादा करोड़ का बिजली बिल बकाया है। सबसे ज्यादा बिजली का बकाया जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया का है, उसके बाद मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद और आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र का है। हालांकि बिजली विभाग ने सभी सरकारी कार्यालयों को नोटिस थमा दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया तो बिजली काट दी जाएगी। इतना ही नहीं, बिजली विभाग मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है। गवर्नमेंट ड्यूज हम लोग को मिलता है, एक्चुअली इस साल क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ड्यूज हम लोग को बहुत कम मिला है। जैसे पिछला साल हम लोग को गवर्नमेंट ड्यूज काफ़ी मिला था, नवंबर दिसंबर में भी मिलता था, जनवरी फरवरी में भी मिलता था, लेकिन इस बार फरवरी में एक आध गवर्नमेंट ड्यूज मिला है 5 करोड़ के आसपास। अदरवाइज पिछले 11 महीने से गवर्नमेंट ड्यूज नहीं मिला है, तो हम लोग होपफुल हैं। हमारा टोटल एरिया बोर्ड में करीब 81 करोड़ डिफरेंट डिपार्टमेंट में बकाया है। हम लोगों ने सारे डिपार्टमेंट वाइज, विभाग वाइज सारे लोगों को रिपीटेडली हर महीने बिल दे रहे हैं। पिछले महीने भी नोटिस दिया था, इस महीने भी नोटिस दिए हैं, तो हमको लगता है कि 81 करोड़ के अगेंस्ट में 50 करोड़ तो आ ही जाना चाहिए। तो हमारा जो गवर्नमेंट ड्यूज आएगा तो हम लोग 150-160 करोड़ के आसपास इस महीने हम लोग रेवेन्यू जाएंगे। विभाग का सरकारी कर्जाला पर 81 करोड़ से भी ज्यादा रुपया बकाया है। लगातार नोटिस किया जा रहा है, उसके बावजूद भी सरकारी विभाग और सरकारी कार्यालय के जो अधिकारी है वो न तो नोटिस के जवाब दे रहे हैं और न ही वो बिजली विभाग को पैसा दे रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आम उपभोक्ता के पास अगर 5,000 रुपया बकाया हो तो बिजली विभाग सबसे पहले उनके आवास पहुंचता है और सबसे पहले उनका लाइन काटता है और उसके बाद एक मामला भी दर्ज कर देता है ताकि वो पैसा दे पाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक देश एक राज्य और दो कानून कैसे, उपभोक्ता वो भी बिजली उपयोग करता है और पैसा देता है और सरकारी कार्यालय में बैठे हुए अधिकारी वो भी बिजली का उपयोग करते हैं तो उनको भी पैसा देना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सरकारी अधिकारी हैं हम नहीं देंगे तो आखिर बिजली विभाग मेरा क्या बिगाड़ेगा। हमारे साथ उसको भी कार्रवाई करना चाहिए, सरकार को भी बिजली बिल जैसे नहीं भरना चाहिए, उसको भी इतना बकाया नहीं कर रखना चाहिए। और ज़्यादा बकाया रखेगा तो फिर बिजली वाला भी कहाँ से मेकअप करने। अब बिजली विभाग ने साफ तौर पे कह दिया है कि पूरे कोल्हान में 81 करोड़ से 88 करोड़ रुपया बकाया है। अगर समय रहते बिजली नहीं दिया गया तो पूरे कोल्हान के सरकारी कार्यालय का बिजली काट दिया जाएगा। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, न्यूज 11 भारत, जगते। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।